लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अमृतसर से उत्तराखंड जाने वाली ट्रेन में लगी आग, बाल बाल बची यात्रियों की जान। अमृतसर से उत्तराखंड के लाल कुआं जाने वाली ट्रेन में आज अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद रेलवे की बचाव टीम ने आग पर काबू पाया और क्लीयरेंस के बाद ट्रेन को लाल कुआं के लिए रवाना कर दिया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अमृतसर से लाल कुआं के लिए जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में यह हादसा अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर हुआ, जिस वजह से तुरंत आग पर काबू पाने में मदद मिल गई और जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के मुताबिक ट्रेन के सेकेंड क्लास डिब्बे के टॉयलेट में से अचानक धुआं उठने लगा, जिसके बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने को दौड़ पड़े। यात्रियों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और रेलवे के अधिकारियों को सूचना दी। खिड़कियों के शीशे तोड़कर बोगी में भरा धुआं बाहर निकाला गया। कुछ ही देर में रेलवे के अधिकारी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पा लिया गया। स्टेशन निदेशक बलजोत सिंह गिल समेत रेलवे का तकनीकी स्टाफ भी प्लेटफार्म नंबर 2 पर खड़ी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा और आग पर काबू पाया। गिल का मानना है कि किसी यात्री ने ट्रेन के टॉयलेट में जाकर बीड़ी या सिगरेट पीकर डस्टबिन में डाल दी होगी, जिससे यह आग लगी। ज्ञातव्य है कि रेस्क्यू आए ऑपरेशन के कारण ट्रेन को लगभग आधा घंटा अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रोका गया। पूरी तसल्ली होने पर ही उसे आगे रवाना किया गया।